हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं जादू सरकार और टेक्निकल जीएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ खास ऑफर के बारे में बताने वाला हूं, जिसके तहत आप लोग कुछ ऐसे कैश बैक अर्निंग कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों, वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को धानी ऑफर के बारे में बताऊंगा, जिसके तहत आप सब लोगों को धानी कैशबैक मिलेगा, क्योंकि अभी पेटीएम मर्चेंट पर पेमेंट करने के लिए धानी ऑफर सक्सेसफुल अप्लाई नहीं हो रहा है, उसमें कैशबैक भी नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक न्यू प्रोसेस बताऊंगा, जिसके तहत सबको कैशबैक मिल पाएगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ आप लोग एंड तक बने रहिए, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर देना। और यहाँ पर दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, यहाँ पर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाके आप सर्च करना टेक्निकल जीएस, इसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि देखो, कोई भी ट्रिक कोई भी ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, कोई भी ट्रिक कोई भी ऑफर कभी भी एक्सपायर हो सकता है, तो उसका अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑफर जो है वो टेलीग्राम पर उसका अपडेट मिलता है, तो आप लोग मेक्सिमम के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। तो चलिए दोस्तों, चलिए को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऑफर के बारे में बता देता हूँ, जो कि इस जून महीने के लिए लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले अमेज़न के रिचार्ज ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग ऑल अमेज़न अकाउंट पे यहाँ पर एक रिचार्ज ऑफर दिया गया है, जिसके तहत अगर आप लोग इस जून महीने में अमेज़न पे जाकर मिनिमम 10 रुपीज के पास जगह रिचार्ज करोगे, अमेज़न यूपीआई से पेमेंट करोगे, तो उसके लिए आप लोगों को 10 रुपीज से लेकर आपको 25 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। लगभग ऑल अकाउंट पे ये ऑफर दिया गया है, तो सबसे पहले कलेक्ट करके आप इसे जाकर अप्लाई कर लेना, ओके। उसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अमेज़न की तरफ से कुछ सिलेक्टेड अकाउंट पे एक बिल पेमेंट ऑफर दिया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए, जिसके तहत अगर आप लोग 300 रुपीज का बिल पेमेंट करोगे तो फ्लैट 40 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। ये अकाउंट स्पेसिफिक ऑफर है, इसे भी एक बार चेक कर लेना, अगर आपको मिला है तो जाकर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अमेज़न की सेल मनी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें अमेज़न का सेल मनी ऑफर काफी अच्छा है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग अकाउंट पे कुछ अकाउंट पे कैशबैक तो मिल ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेंड मनी करने के लिए अमेज़न पे लगभग बहुत सारे अकाउंट पे अच्छे अच्छे ऑफर अनलॉक हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये गिफ्ट कार्ड वाला ऑफर देख सकते हो, जिसमें अगर आप लोग 1000 रुपीज का अमेज़न गिफ्ट वाउचर बाय करते हो तो 100 रुपीज का फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा अपने अमेज़न पे बैलेंस पे। मतलब कि 1000 रुपीज अमेज़न पे बैलेंस पे ऐड करने के लिए 100 रुपीज का एक्स्ट्रा कैशबैक, मतलब कि 1100 रुपीज मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा वैल्यूएबल ऑफर है। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि आप लोग जाकर अमेज़न पे मिनिमम 1 रुपीज या उससे ज्यादा कोई भी अमाउंट हो, सेंड मनी करो, 2-3 बार, 4-5 बार जो भी हो सेंड मनी करो, और देखो कि आपके अकाउंट पे कौन सा ऑफर अनलॉक होता है। हालांकि सबके अकाउंट पे ऑफर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये गिफ्ट कार्ड वाला ऑफर मिलता है तो इसे जाकर जरूर अप्लाई कर लेना, ठीक है। जैसे ऑफर ओपन होता है आप इसे कलेक्ट कर लेना, इसके बाद आप बाय नाउ पे क्लिक करना है, और इसके बाद अमेज़न पे जाके 1000 रुपीज का ई गिफ्ट कार्ड बाय कर लेना। तो 1000 रुपीज सिलेक्ट करना, इसके बाद इस पेज पे आप जीमेल आईडी को सिलेक्ट करके, जिस जीमेल आईडी पे आप लोगों को ये गिफ्ट कार्ड लेना है वो जीमेल आईडी डाल के नीचे आप बाय नाउ पे क्लिक करना, और अमेज़न यूपीआई से आप लोग पेमेंट कर देना। जैसे आप पेमेंट कर दे तो आपने जो जीमेल आईडी डाला था उसमें ये 1000 रुपीज का अमेज़न गिफ्ट वाउचर सेंड कर दिया जाएगा, उसी के साथ कुछ ही मिनट के अंदर आपके अमेज़न पे बैलेंस पे ये 100 रुपीज ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपके जीमेल आईडी पे ये 1000 रुपीज का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, जिसे आप खुद के अकाउंट पे ऐड कर सकते हो। वहां पर एक कोड मिल जाएगा, कोड को कॉपी कर लेना, इसके बाद आपके अकाउंट पे ऐड गिफ्ट कार्ड वाले सेक्शन पे जाकर कोड को अप्लाई कर देना, ये 1000 रुपीज ऐड हो जाएगा। तो 1000 रुपीज ऐड करने के लिए आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर आपको सेंड मनी भी ऑफर अनलॉक होता है तो जरूर अप्लाई कर लेना, ओके। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को मोबीक्विक की तरफ से 2 प्रोमो कोड के बारे में बताता हूँ, जिसके तहत रिचार्ज और बिल पेमेंट पर आप लोगों को अच्छा कैशबैक देने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए मोबीक्विक एप्लीकेशन पर Lite100 नाम से एक प्रोमो कोड एक्टिव है, जिसके तहत अगर आप लोग इस महीने फर्स्ट टाइम मोबीक्विक में जाकर मिनिमम 3000 रुपीज से उससे ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो और ये Lite100 प्रोमो कोड अप्लाई करते हो, तो उसके लिए आप लोगों को फ्लैट 100 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। वंस पर यूजर है, पर मंथ सभी लोग जाकर इस ऑफर को एक बार अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके साथ दोस्तों, यहाँ पर कैशबैक 50 प्रोमो कोड भी एक्टिव है, जिसके तहत अगर आप लोग मोबीक्विक में फर्स्ट टाइम जाकर रिचार्ज या बिल पेमेंट करते हो तो उसके लिए आप लोगों को ये 5% के साथ आपको 50 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है कैशबैक 50। तो ये 2 प्रोमो कोड अभी एक्टिव है, रिचार्ज और बिल पेमेंट पे आप इसे यूज कर सकते हो इस महीने, ओके। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को धानी ऑफर के बारे में बताता हूँ, जिसके तहत जितने भी लोगों ने कार्ड को एक्टिव करके रखा है सभी लोग जाके इस महीने भी कैशबैक ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि धानी का जो पुराने वाला ट्रिक था, मतलब कि पेटीएम मर्चेंट पे पेमेंट करने के लिए, वो अभी वर्क नहीं करेगा, उसमें आप लोगों को कैशबैक नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या हुआ कि ये पेटीएम मर्चेंट पे पेमेंट करने वाला ट्रिक इतना ज्यादा वायरल हुआ कि सबसे पहले तो धानी वालों ने कैशबैक देना ही बंद कर दिया पेटीएम मर्चेंट पे पेमेंट करने के लिए। उसी के साथ पेटीएम ने भी अपने मर्चेंट पे एक अपडेट कर दिया, खास करके ज्यादातर जितने भी लोग पेटीएम मर्चेंट पे ज्यादा से ज्यादा पेमेंट कर रहे थे, तो उन मर्चेंट पे एक अपडेट आया है। चार्जेस वाले सेक्शन पे जाके एक बार देख सकते हो कि आप लोग प्रीपेड कार्ड का एक ऑप्शन आया है, जिसमें आप लोग प्रीपेड कार्ड से पेटीएम मर्चेंट पे पेमेंट करोगे तो 2.5% का चार्ज लग जाएगा, मतलब कि उल्टा लॉस हो जाएगा। तो एक तो कैशबैक नहीं, उसी के साथ पेटीएम मर्चेंट पे आप लोगों को चार्ज लग रहा है, तो वो वाला ट्रिक बिल्कुल भी अभी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को एक न्यू ट्रिक के बारे में बताता हूँ, न्यू मेथड के बारे में बताता हूँ, जिसके तहत अगर आप लोग अभी अप्लाई करोगे तो आप लोगों को धानी कैशबैक मिलेगा। उसी के साथ बता दूं कि पिछले महीने जितने भी लोगों ने 100 रुपीज को देकर सुपर सपा कार्ड को एक्टिव किया था और कैशबैक भी लिया था, वो लोग फिर से इस महीने कैशबैक ले सकते हैं, मतलब कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद 2 बार कैशबैक आप लोगों को मिल जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये न्यू मेथड है फ्री चार्ज की तरफ से। मेथड क्या है कि अगर आप लोग फ्री चार्ज से जाके रेंट पेमेंट करोगे तो उसके लिए आप लोगों को धानी पे कैशबैक अभी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा चार्ज लगेगा 59 रुपीज का। जितने भी लोगों का सुपर सेवर कार्ड है
तो आप लोगों को मैक्सिमम 250 रुपीज का पर मंथ कैशबैक मिलता है, उसमें 59 रुपीज डिस्काउंट कर दो, आप लोगों को 191 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी लोगों को अभी करना है, अभी के अभी कैशबैक लेना है, वो लोग जाके इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, बाकी लोग वेट कर सकते हो। क्योंकि देखो आज 2 तारीख है इस महीने की, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कोई न्यू ट्रिक जरूर निकल आएगा, न्यू मेथड जरूर मिलेगा, जिसमें बिना कोई चार्ज दिए आप लोग कैशबैक ले सकते हो। तो आप लोग वेट कर सकते हो, बाकी जितने भी लोगों को जल्दबाजी है, आप लोग जाके इस ट्रिक को अप्लाई करोगे तो कैशबैक जरूर मिलेगा। ठीक है, और जितने भी लोगों के पास सुपर सेवर कार्ड को छोड़कर कोई फ्री कैशबैक कार्ड है, तो उसमें 2% के हिसाब से कैशबैक मिलता है। तो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके इस ट्रिक को अप्लाई ना करो, क्योंकि प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना कुछ खास नहीं होगा। क्योंकि अगर 5000 रुपीज पे करते हो तो 49 रुपीज का आपको चार्ज लग जाता है, सिर्फ 41 रुपीज ही आपका प्रॉफिट होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसके लिए आप लोग फ्रीचार्ज एप्लीकेशन को ओपन करो, इसके बाद ऊपर स्लाइड करना तो आपको रेंट पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लैंडलॉर्ड का बैंक डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना खुद का बैंक डिटेल्स डाल दो। तो आप बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सब कुछ डाल के आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आप सुपर सेवर कार्ड के लिए मिनिमम 5000 रुपीज तो आपको डालना ही है, क्योंकि मैक्सिमम 250 रुपीज अगर आपको कैशबैक लेना है, आप कम भी डाल सकते हो। ठीक है, तो 5000 रुपीज डालो, इसके बाद एड्रेस पे कोई भी एड्रेस डाल दो, इसके बाद आप सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद ये आपको पेमेंट पेज पे लेके आएगा। नीचे देखो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, वो ऑप्शन को चूज करो। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऑप्शन को चूज करके धानी का जो आपका कार्ड है वही कार्ड डिटेल्स डाल के आप पेमेंट को सक्सेसफुल कर दो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, 24 घंटे के अंदर आपने जो बैंक अकाउंट डाला था उसमें जब पैसा चला जाएगा, और उसी के साथ कुछ मिनट वेट करना, यहाँ पर 10-15 मिनट वेट करने के बाद, ज्यादा भी टाइम लग सकता है, आप लोगों को धानी वॉलेट पे ये 250 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो ये है सिंपल सा प्रोसेस। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी ट्रिक हो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, आज ये वर्क कर रहा, हो सकता है कि 2 दिन बाद ये वर्क ना करे, तो जब भी इस ट्रिक के रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह हो वो मैं टेलीग्राम पे ही दे पाता हूँ। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, यहाँ पर टेलीग्राम पे जाकर आप लोग सिर्फ सर्च करना टेक्निकल जेएस, आप लोग ज्वाइन हो जाना ग्रुप पे, आप लोगों को ऑफर भी मिलेगा और ये अपडेट वगैरह भी मिलेगा, ताकि अगर ट्रिक बाय चांस वर्क नहीं करता है तो उसमें आप लोग अपडेट देकर आप उस टाइम जाके अप्लाई ना करें। ठीक है, तो गाइस यही था ऑफर, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी ऑफर हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर।